टीकाकरण के दूसरे डोज के लिए आमजन को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के साथ अब जनप्रतिनिधि भी मैदान में उतरे हुए हैं। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 के विधायक आकाश विजयवर्गीय ने तो 5 चरणों का कार्यक्रम तय किया है, जिसमें सेकेंड डोज से छूटे लोगों को वैक्सीनेशन के लिए घर घर जाकर पीले चावल वे दे रहे हैं और जागरूक कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। विधायक आकाश विजयवर्गीय का अनोखा अंदाज, लोगों को वैक्सीनेशन के लिए दिया निमंत्रण, घर घर पीले चावल देकर दिया निमंत्रण, ढोल नगाड़ों के साथ निकले विधायक। चावल घर घर जाकर बांटे जा रहे हैं। या पीले चावल किसी धार्मिक आयोजन का न्योता नहीं, बल्कि सेकेंड डोज से छूटे लोगों को टीकाकरण के लिए निमंत्रण दिया जा रहा है। दरअसल इंदौर जिला में 10 लाख से अधिक लोग ऐसे हैं जिन्होंने समय पूरा होने के बाद भी वैक्सीन का दूसरा डोज नहीं लगवाया है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में समाज सेवी संगठनों के माध्यम से विशेष अभियान चलाया हुआ है, और इस अभियान के तहत विधायक आकाश विजयवर्गीय ने विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 के रहवासियों के लिए 5 सूत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया, ताकि लोगों को टीकाकरण के लिए जागरूक किया जा सके। इस कार्यक्रम की शुरुआत शनिवार से घर घर पीले चावल बांटकर की गई। फर्स्ट डोज के लिए भारतीय जनता पार्टी विधानसभा 3 के सभी कार्यकर्ताओं ने डोर टू डोर जनसंपर्क किए, मैक्सिमम सेंटर्स संचालित करके क्षेत्र में चलाए। उसकी बदौलत 100% फर्स्ट डोज हमने हमारी विधानसभा का भी किया और बाहर से भी खूब लोगों ने आके यहाँ पर वैक्सीनेशन कराया था। अभी अभी जो सरकारी आंकड़ा आया है उसमें ये इस बात सामने आई है कि 40% ऐसे लोग हैं जिन्होंने फर्स्ट डोज तो लगा लिया मगर सेकेंड डोज अभी भी उनका ड्यू है, डेट निकलने के बाद भी ड्यू है। हमने इस बात को बहुत गंभीरता से लिया है। हम सब ने सेकेंड वेव को जो कठिनाइयाँ थी सेकेंड वेव में वो सब उन सबको फेस किया है, सबने अपनों को खोया है। तो इस बात को बहुत ही गंभीरता से लेते हुए हमने 5 सूत्रीय कार्यक्रम विधानसभा 3 में बैठक करके तय किया है। पहला कि हमारे कार्यकर्ता घर घर जाकर के लोगों से सेकेंड डोज के लिए निवेदन करेंगे। दूसरा, जिन लोगों ने भी सेकेंड डोज नहीं लगाया है फर्स्ट डोज लगाने के बाद, उनकी हमें एक सरकार से लिस्ट भी प्राप्त हुई है, उनको कॉलिंग करेंगे। तीसरा, अधिक से अधिक सेंटर्स का संचालन करेंगे। चौथा, अपने दोस्त यार रिश्तेदारों से विशेषकर निवेदन करेंगे फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से सभी कार्यकर्ता। पांचवा, पोस्ट बना के सोशल मीडिया पे आग्रह की पोस्ट बना करके कि आप कृपया वैक्सीन करें, एक ऐसा सोशल मीडिया पे भी माहौल बना। ऐसा 5 सूत्रीय अभी हमने कार्यक्रम तय किया है। और इसके अलावा अधिक से अधिक सेंटर्स हमारे विधानसभा में लगे, इसका हमने कार्यकर्ताओं को बोला है। विशेषकर बस्ती क्षेत्रों में ये डाटा ज़्यादा देखने में आया है, तो हमने उन्हें कहा है कि अगर आपको लगता है कहीं पर भी सेंटर की आवश्यकता है तो आप सेंटर खुलवा लो, मगर अधिक से अधिक सेंटर संचालन करके इस तरह से 5 सूत्री अभी हमने कार्यक्रम तय किया है। और 100% वैक्सीनेट हमारा क्षेत्र 7 दिन में हो जाए, इसका टारगेट बनाया है और आज उसका शुभारंभ किया। जैसे मैंने कहा कि डोर टू डोर जाएंगे, तो आज डोर टू डोर का अभियान का हमने शुरुआत किया है। मैं स्वयं एक बूथ पर घर घर जाकर के पीले चावल देकर के लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि वो वैक्सीनेट हो जाएं, सेकेंड डोज भी लगवा लें
और इसी तरह से सभी कार्यकर्ता अपने अपने बूथों पर डोर टू डोर जाकर के लोगों से निवेदन करेंगे। आज उस अभियान का शुभारंभ मैंने किया। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 के विधायक ने वैक्सीन के पहले डोज के समय भी इसी तरह का अभियान चलाया था, जिसके परिणाम स्वरूप क्षेत्र के सभी 100% लोगों को वैक्सीन का पहला डोज लगा था। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News TV, इंदौर।